रतन टाटा एक ऐसा नाम जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके जीवन की कहानी केवल कारोबारिक ऊंचाइयों की ही नहीं है बल्कि ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसने हर चुनौतियों के सामने सिर झुकाने की बजाय अपने इरादों से उन्हें मात दी। कुछ लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग विरासत छोड़ जाते हैं। रतन टाटा उन गिने चुने लोगों में से ही थे। उन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अपने व्यवहार से लाखों दिलों में जगह बनाई। रतन टाटा हमेशा कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही साबित करता हूं। 1954 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को नया आकार देने का फैसला किया। उन्होंने कभी मुनाफे को नहीं देखा बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। 1997 में उन्होंने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली। 2008 में उन्होंने देश की सबसे सस्ती कार नैनो पेश की। इसके साथ ही टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन सभी ने उनके मार्गदर्शन में नए आयाम छुआ। उन्होंने जैक्वा लैंड रोवर, कोरस स्टील जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अधिग्रहण करके टाटा ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति थे बल्कि उनका दिल सोने का था। उन्होंने हर उस इंसान की मदद की जिसको उनकी जरूरत थी, चाहे 26/11 का हमला हो या कोरोना महामारी। रतन टाटा ने हमेशा अपने देश के लिए दिल खोलकर दान दिया। वो कहते थे कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए और यदि दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। उनकी दरिया दिली उनके एम्प्लॉयज में साफ दिखती है। काफी एम्प्लॉयज उनको अपने अभिभावक की तरह मानते थे। उनकी सफलता व्यवसायिक मुनाफे में नहीं थी बल्कि उस प्रेम और सम्मान में थी जो उन्होंने इस देश और दुनिया से पाया। उनकी जिंदगी की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। रतन टाटा की विरासत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि उनके विचार, उनकी मानवता सदियों तक जीवित रहेगी।